चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, खबर आपको बता दें, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल परेड मैदान में फाइनल ड्रेस रिहर्सल जारी है। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना का साया रहेगा, तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल परेड मैदान में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में छात्रों की एंट्री नहीं होगी। कोविड-19 के सभी नियमों के साथ समारोह होगा, तो तैयारियां समारोह के लिए पूरी कर ली गई हैं और ड्रेस रिहर्सल जारी है। इस बार भी कोरोना का साया मंडराता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर जहां छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी, चलिए तो इन्हीं तमाम स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुर अग्रवाल ने। पंद्रह अगस्त का फुल ड्रेस रिहर्सल आप जारी है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, राजधानी भोपाल का ये स्टेडियम है। यहाँ पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झंडा फहराएंगे, लेकिन आज फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ हो रही है। मुख्यमंत्री के डमी मंच पर मौजूद है DGP विवेक चौधरी मौजूद है, विवेक जौहरी मौजूद है, तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद है। 8 टुकड़ियाँ इस परेड में शामिल की गई है, जिसमें हॉक्स फोर्स है, SAF के है, 2 महिला पुलिस की टीम है। निश्चित तौर पर क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो इस परेड में इस बार NCC या स्काउट के छात्रों को शामिल नहीं किया गया। किसी भी छात्र को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों के द्वारा किए जाते वो होंगे। जो ये परेड कर रहे हैं जवान, इनके बीच में भी सोशल डिस्टेंस के लिए 6 फुट की दूरी तय की गई। निश्चित तौर पर अभी ये परेड की जो सलामी चल रही है, ये पूरा फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। ये 15 अगस्त को यहाँ पर होगी, उसके पहले आज पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस का बैंड भी है, यहाँ पर पुलिस का बैंड भी इसमें शामिल किया गया है। 8 टुकड़ियां कुल है, विशेष पुलिस बल है, हॉक्स फोर्स है, 2 महिला पुलिस है। निश्चित तौर पर आज फाइनल रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है और 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होगा उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से अनादि TV के लिए अंकुर अधवरियो।